हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं अभी अपने गार्डन में हूँ और मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ टोमेटो की एक स्पेशल चटनी, जिसमें कि मैं एक स्पेशल चीज़ ऐड करूँगी जिससे उसका टेस्ट जो है उसमें आम की स्वाद आएगी। तो आप देखिए कि वो स्पेशल चीज़ क्या है। और मैं अभी अपने गार्डन में जो टमाटर है मैं उसे पहले कलेक्ट कर लेती हूँ, उसके बाद जो वो स्पेशल चीज़ है वो भी मैं अपने गार्डन से कलेक्ट कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं ये आम अदरक है जिसे हम आम आधा बोलते हैं। इसे हम लेकिन कोई भी मसाले में अदरक जैसी हम नहीं यूज़ कर सकते, इसे बस चटनी में ही हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हम लोगों ने कितना ज़्यादा टमाटर कलेक्ट किया हमारे गार्डन से, और इतना टमाटर कलेक्ट करने के बाद हम लोग बिल्कुल थक गए हैं। घर लाने के बाद मम्मी और बहन वो अलग अलग जगह में टमाटर का डिवाइड कर रहे थे सबको देने के लिए। तो मैं अपने किचन में आ चुकी हूँ और मैंने कुछ बड़े बड़े साइज टमाटर ऐसे चुन लिए हैं और इसका मैं बनाऊंगी अभी स्पेशल चटनी। और इसे बनाने के लिए हमने ले लिया है 2 बड़े साइज ऑनियन और लहसुन की कलियाँ, और ये जो अदरक है ये आम अदरक है, आम अदरक थोड़ी सी ले ली हूँ मैंने। और इसके साथ ही ली हूँ ये जो 5 फोड़न है और थोड़ी सी सरसों की दाना, और साथ ही मैं तेज़पत्ता ली हूँ 2, और सूखी मिर्च मैंने 3 ले लिया है। आपको अगर मिर्ची ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा ले सकते हैं। और साथ ही मैं ऊपर से देने के लिए धनिया पत्ता ले ली हूँ। अब मैं ये जो लहसुन है और अदरक है इसे मैं थोड़ी सी क्रश कर लूंगी। और चटनी बनाने के लिए हमारे पास जो बाकी इंग्रेडिएंट्स थे जैसे कि ऑनियन और धनिया पत्ता और टमाटर, ये सबको मैं काट कर रेडी कर लूँगी। तो हम सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से काट चुके हैं। अभी हम कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए दे दिए हैं, और तेल गरम हो जाने के बाद उसमें हम डाल देंगे 5 फोड़न और सरसों की दाना,
और साथ ही में उसमें हम जो सूखी मिर्च लिए थे वो सूखी मिर्च भी डाल देंगे। अगर आपको सूखी मिर्च नहीं खाना है, आपको हरी मिर्च खाना है, तो आप हरी मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही में जो हमारा कटे हुए ऑनियन हम रखे थे वो ऑनियन भी हम इसमें डाल देंगे। फिर इसको थोड़ी देर के लिए चला लेंगे और इसमें जो तेज़पत्ता हमारा था तेज़पत्ता भी इसमें डाल देंगे अभी। और फिर इसको थोड़ी देर तक हम फ्राई कर लेंगे। और ये थोड़ी सी फ्राई हो जाने के बाद हमने जो लहसुन और जो अदरक था आम अदरक वो क्रश करके रखे थे वो भी हम इसमें डाल देंगे और इसे फिर हम अच्छे से मिला लेंगे। और फिर इसको थोड़ी देर के लिए हम लोग फ्राई कर लेंगे। जैसे कि ये बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो जाए, इसका जो कच्चापन है वो चला जाए, तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ब्राउन हो गया है। तो इसमें हम अब जो टमाटर हम रखे थे वो टमाटर इसमें डाल देंगे और इसके ऊपर ही हम नमक भी डाल देंगे ताकि टमाटर जो है वो अच्छे से गल जाए। और टमाटर के साथ ही हम इसमें हल्दी भी डाल देंगे ताकि इसका कलर थोड़ी अच्छी आ जाए। और फिर हम इसको अच्छे से मिलाकर इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। तो अब देख सकते हैं मैंने इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं यूज़ किया है, फिर भी इसमें कितना ज़्यादा इसमें पानी है। और आप इस चटनी को 2-3 दिन भी रख सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें पानी का यूज़ नहीं कर रही हूँ, तो ये 2-3 दिन तक आसानी से रह जाएगा फ्रिज में। तो अब इसे मैं थोड़ी देर के लिए ढक कर छोड़ दे रही हूँ ताकि सारे जो टमाटर है वो बहुत अच्छी तरह से गल जाए। और अब ये चटनी में हम चीनी का भी यूज़ नहीं करेंगे, उसके जगह हम इसमें गुड़ का यूज़ करेंगे। तो गुड़ मैं थोड़ी सी छील रही हूँ ताकि ये अच्छे से मेल्ट हो जाए और फिर मैं ये गुड़ को ये चटनी में मिक्स कर दूंगी। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप थोड़ी सी ज़्यादा गुड़ इसमें डाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरी चटनी बिल्कुल ड्राई हो गई है, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। तो मैंने स्विच ऑफ कर दिया था और फिर ऊपर से जो धनिया पत्ता था वो धनिया पत्ता हमने डाल दिया और फिर इसको दोबारा से अच्छे से मिक्स कर दिया। और मैंने इसे टेस्ट कर देखा कि यह बिल्कुल भी अच्छी बनी थी। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।